आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टेक्थन 2021 का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, इसमें पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ने वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसमें आप एक टॉय मतलब या फिर गेम का कंसेप्ट डिजाइन करके जीत सकते हैं 50 लाख रुपए तक। यहाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आप सिंपली एक गेम का आइडिया देके या फिर एक टॉय आप डिजाइन करके जीत सकते हैं। इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो स्टार्टअप शुरू के वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो गेम वगैरह या फिर जो टॉय वगैरह डिजाइन करते हैं उसके एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, अपना आइडिया सबमिट करना है या टॉय का फिजिकल डिजाइन करके आपको सबमिट करना है, या जो भी आपको आइडिया डिजिटल वे में या फिजिकल वे में आप जैसे भी इसको कर सकते हैं, हर तरह से यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और अगर आपका सिलेक्ट हुआ तो आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपए तक। ठीक है, इस बार टेक्थन 2021 का जो थीम है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। इसमें है कि जो इस बार का थीम है वो बेस्ड है इंडियन सिविलाइजेशन पे, हेरिटेज पे, हिस्ट्री पे, कल्चरल मिथोलॉजी पे, इथोस पे, टेक्नोलॉजी पे, इथनिसिटी पे, नेशनल हीरोज पे एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे। तो आप इन पे गाइज अपना कोई भी गेम या प्राइज सोच सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके पूरा मोटो और पूरा फोकस लिखा हुआ कि इनका क्या पर्पस है, क्या क्या है आप इसमें कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम के चैलेंजेस है, इवन दो अगर आप अपना आइडिया नहीं दे सकते तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिस्टेड है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप दे सकते हैं। आपको बस करना क्या है, सिर्फ सोचना है कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैं सारे पॉसिबल लिस्ट आपको यहाँ पर शो करूंगा। और गाइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आने वाले समय में हम इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके वन बाय वन इसमें देख लें और देख लें कि आप किसमें से किसके लिए आप एलिजिबल हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे सपोर्टिंग मिशन लाइक स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें अब बहुत सारे हैं। आप जो भी आपको जो ठीक लगे आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट आप ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट है आपके आइडिया सबमिट करने का 20 जनवरी, दैट इज 20 जनवरी तक ही आपको सबमिट करना है। और जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट निकलेगा वो 10 फरवरी को निकलेगा। तो गाइज आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आप जो भी अगर कुछ आइडिया ऐसे मन में हो तो आप उसको अपना पहले पेपर पर लिख के तैयार कर ले और यहाँ पे सबमिट कर ले। सबमिट करने के लिए मैं सैंपल दिखा दे रहा हूँ, आपको एक पीपीटी स्टेप से बना लेना है। पीपीटी में क्या करना है, फर्स्ट पेज में कुछ स्टेप से आपको लिखना है, सेकंड पेज में फिर आपको आइडिया अपना जो है उसको डिस्क्राइब करना है, थर्ड पेज में आपको कुछ आपने क्या क्रिएट किया है उसका पूरा ब्रीफ में लिख देना है, फिर से हम क्रिएटिविटी एंड लास्ट पे अपना टीम के बारे में आपको बता देना है। तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगा मैं आपको अब इसमें समझाता हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे स्पेशली गांव साइड में क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे होते हैं बट उनको ये नहीं पता होता है कि उनका कहाँ यूज हो सकता है, वो अपने कंसेप्ट या अपने आइडिया किसको बता सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानकारी के अभाव में कोई मिस हो जाए। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे तीन कैटेगरी है, एक तो स्टूडेंट्स के लिए है, एक HEI स्टूडेंट्स के लिए और एक प्रोफेशनल्स के लिए है। तो इसमें जो जूनियर स्टूडेंट्स है इसमें 8th से लेकर 12th तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपली आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप दो देख रहे होंगे बटन, एक रेड कलर में लॉगिन है और एक है आपका ए रजिस्टर। तो आपको इस रजिस्टर पे क्लिक करना है, और अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके अपना यहाँ पे सिंपली डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली आप रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीनों कैटेगरी देगा, आप किस कैटेगरी में रजिस्टर करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो 8th से ट्रैक 1 है ये 8th से 12th क्लास के बच्चों के लिए है, ए फॉर स्कूल स्टूडेंट्स लिखा हुआ, सेकेंड है जो आपका HEI स्टूडेंट्स के लिए है, और लास्ट वन है जो स्टार्टअप या प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें टीचर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इस कैटेगरी में फैकल्टी या स्टाफ मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें प्रोफेशनल्स या टॉय एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मेंटरशिप की बात करें तो या टीम मेंबर की बात करें तो सभी में आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 और 6 लिखा हुआ, मतलब तीनों आप किसी भी इवेंट में रजिस्टर कर रहे हैं मिनिमम आप में 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 6 होने चाहिए, जिसमें से एक आपका टीम लीडर होगा। ठीक है, और आप उसमें से एक या दो मेंटर्स होंगे। ठीक है, तो इन कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, और सिंपली आपको क्या करना है, इस रजिस्टर पे अगर एज्यूम करिए कि आप स्टूडेंट्स हैं और इस कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहते हैं तो सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको फिल करके प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
ये आपका आ जाएगा और आगे कुछ डिटेल्स पूछेगा जो डाटा आपको फिल करना है, करेक्ट डाटा फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल आप करेक्ट फिल करिएगा। ओके, कुछ और मैं दिखा दूंगा। अगर आप अपना आइडिया नहीं दे सकते हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिस्टेड है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर इस प्रोग्राम का शॉर्ट हिस्ट्री बात करें तो अब तक यहाँ पे 68 प्रॉब्लम लिस्टेड है, उनमें से आप किसी एक का भी आइडिया दे सकते हैं। अब तक टोटल 32,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर पाया। कल मैं देखा था, कल 30,000 से बहुत कम था, ठीक है, यानी 28,000 के अराउंड था। आज देखिए आपका 32,000 हो गया। अब मैं भी जब वीडियो देख रहे होंगे शायद उस टाइम में बहुत ज्यादा डाटा बढ़ गया हो, और इसमें जो अब तक आइडिया इनको रिसीव हुआ है 437, मतलब कोई ज्यादा नहीं है, मतलब आपके लिए पॉसिबिलिटी है अगर आप कोई सोल्यूशन दे पा रहे हैं तो। और इसमें 2000 से ज्यादा टीम ने रजिस्टर कर पाया। ये देख रहे होंगे ए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें इतनी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। वुमेन डेवलपमेंट सेल है, MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन सेल है, इसमें इतनी सारी मिनिस्ट्री, AICT, सारी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है लगभग, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इनके आप फेसबुक ट्विटर ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन ये लोग पोस्ट करते रहते हैं। और जो आपको चैलेंजेस है, जिसमें मैंने बोला कि अगर आप अपना आइडिया नहीं दे पा रहे हैं तो आप चाहें तो इनके प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन दे सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए जो चैलेंजेस लिखा हुआ है, आपको चैलेंजेस पे क्लिक करना है। ये देखिए ये चैलेंजेस दिख रहा है, इस चैलेंज पर आप क्लिक करके इसमें बहुत सारे आइडिया लिस्टेड है। देखिए तो इसमें आप फॉर एग्जांपल आप किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एज्यूम करिए कि आप एजुकेशन वाले कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम से उनको लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप वीडियो को पॉज करके या फिर इस लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे देखिए डिजिटल गेम, जैसे एक है मैंने ये लिया, ये थीम इसका दिया हुआ है लर्निंग एजुकेशन एंड स्कूलिंग। ओके, कैटेगरी है डिजिटल, इसका टाइटल क्या है, ठीक है, डिजिटल गेम बेस्ड एप्लीकेशन दैट हेल्प टू सॉल्व लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन है, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ईटीसी विच आर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ड्यू टू दियर एब्स्ट्रैक्ट नेचर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में ले लीजिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक होता है, या बहुत सारे जो एब्स्ट्रैक्टिव नेचर है वो समझ में नहीं आता, जिसको इमेजिनेशन करना होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो वो लोगों को समझने में इजी प्रोवाइड कर दे, चाहे गेम की हेल्प से, चाहे आइडिया, चाहे जो भी, आप जिस वे में भी अपना आइडिया भी लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम से लिखा, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। ये वेबसाइट मैंने खोला हुआ है ना, यहाँ पे इस लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल दिस इज केप्ट प्राइवेट। ये भी मैथमेटिक्स से, इस वेबसाइट या जितने भी वर्ल्ड में सिक्योरिटी है सारे मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। आपने प्राइम नंबर का नाम सुना होगा, प्राइम नंबर को यूज करके क्रिप्टोग्राफी में कुछ इंक्रिप्शन सिस्टम बताएगा जिसपे ये सिस्टम पूरा काम करता है। तो उसी तरह से आपको कुछ भी लगता है कि आप अगर ये आइडिया दे सकते हैं, कि अब जैसे होता है ना बहुत सारे शिकायत करते रहते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, तो अगर आप चाहते जैसे लगता है ना कि अगर ये गवर्नमेंट करती तो एक चीज अच्छा होता, या फिर इस चीज के सुधार के लिए ये चीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लगभग सारे प्रॉब्लम लिस्टेड है, जो भी आपके मन में क्यूरी होगा तो आप 2 मिनट रख दे के इसमें सारे प्रॉब्लम से आप पढ़ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ सोल्यूशन लग रहा है तो आप अपना 2-3 मेंबर का टीम बनाइए, ठीक है, और उनके साथ पार्टिसिपेट करिए। और मैं कहूंगा इसमें देखिए कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं है, बस आपको सोचना है और अपना आइडिया सबमिट करना है। मैं भी अपना टीम बना रहा हूं, मेरे टीम में सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं जो मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना खुद का टीम बनाए और पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कुछ है, आप नोडल सेंटर, इसके मीडिया, इसमें वीडियो सेशंस एंड प्रेस रिलीज जो हुआ, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। इसमें जो भी और भी कुछ, मान लीजिए आप दिव्यांग के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, हो सके आप फिटनेस से रिलेटेड कुछ बनाना चाह रहे हैं, हो सके आप कुछ इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारे वातावरण है प्रदूषण जो बढ़ रहा है इसको घटाने के लिए, या फिर कुछ भी इस टाइप के पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस टाइप के जो भी मतलब इनके सोल्यूशन के रिगार्डिंग आप कुछ देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम लिस्टेड है, आप इनमें भी अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके इसमें टाइम बहुत कम है, एक्चुअली लास्ट डेट बहुत कम है। इन्होंने इसका जो डेट दिया था 5 से 21 तक दिया था, ठीक है, 5 तारीख को ये डेट स्टार्ट हुआ था इसका फॉर्म फिल करना, और 20 लास्ट डेट है, तो 15 दिन के अंदर सारा फिल करना था। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो होगा कि जो मिस हो रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा, शायद कोई जॉइंट के पास ऐसा आइडिया पार्टिसिपेट कर ले। ओके, तो लास्ट डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।